मुस्लिम लीग नून ने डील की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं उनका हक दिया गया। नवाज शरीफ सेहत याब होकर जल्द वतन वापस लौटेंगे और अवाम की हुक्मरानी के लिए जिदोजहद करेंगे। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि डील की खबरों में कोई भी सदाकत नहीं। नवाज शरीफ लंदन से खुद वापस आए और मुकदमात का सामना किया। सेहतयाबी के बाद दोबारा वतन लौटेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं उनका हक दिया गया है। नवाज शरीफ बैरून मुल्क थे, वापस आकर जेल गए, अब इलाज के लिए जा रहे हैं, फिर वतन वापस आएंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए 15 रोज पहले ही पाकिस्तान से चले जाना चाहिए था। हुकूमत ने गैर जरूरी और गैर इंसानी ताखीरी हरबे अपनाए। उन्होंने कहा कि हुकूमती मुशीर कहते हैं कि नवाज शरीफ जहां जाएंगे अदालती फैसला वहां भेजा जाएगा। क्या आज तक किसी ने ये कहा है कि हमारा वजीर आजम जहां जाएगा कैलिफोर्निया अदालत का फैसला वहां भेजेंगे? रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि नवाज शरीफ के मर्ज की तशखीस नहीं हो सकी, उनकी सेहत आज भी खराब थी। डॉक्टर से तिबी मुआयना करने के बाद रवाना किया। कोई डील नहीं हुई, नवाज शरीफ जल्द वतन वापस लौटकर अवाम की हुक्मरानी के लिए जिदोजहद करेंगे।